इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस, ये नाम इस वक्त भारत में काफी ज्यादा विवादित है। पूरे दुनिया में इस नाम ने ऐसी खलबली मचाई है कि किसी के गले से नहीं उतर रही। दरअसल जिस तरह से पेगासस द्वारा भारत के 40 पत्रकारों और नेताओं की जासूसी की बात सामने आई है, उसके बाद से पत्रकारों से भी ज्यादा नेताओं के मन में ये बेचैनी हो गई है। आखिरकार कौन कौन इस राडार में रहा और किस किस की बातें इसमें लीक हुई हैं? लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहां पर एक तरफ पेगासस जासूसी सरकार को घेर रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में इस पेगासस जासूसी कांड पर क्या चर्चाएं हैं। जिस तरह से पेगासस जासूसी कांड में मोदी सरकार में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद का भी नाम लिस्ट में आया, जिस तरह से पीयूष गोयल का भी नाम लिस्ट में आया, उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई कि मोदी सरकार अपने खुद के मंत्रियों की भी जासूसी करवा रही थी। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई जांच एजेंसी इस पर अभी चालू नहीं हुई है। साथ ही आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिसके पिछले वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठनी हुई थी, उनका नाम लिस्ट में दिखाई नहीं दिया। इससे योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत जरूर मिली होगी, लेकिन साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट से आउट कैसे हुए, इस जासूसी कांड की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ की खबरें जानने के लिए दिल्ली के पास कई वजह थी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मोदी के चहेते AK शर्मा को जगह नहीं दे रहे थे, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बाकी उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ठंडे बस्ते में डाले हुए थे, और आखिरकार उनकी कार्यप्रणाली कर क्या रही थी, इन तमाम चीजों के आधार पर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम तो इस लिस्ट में था ही नहीं। ये चर्चाएं उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रही हैं। इन चर्चाओं के पीछे लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ इस बार इस लिस्ट से बच गए और इस जासूसी कांड का खुलासा भी हो गया। लेकिन अगर कोई और लिस्ट ऐसी है जो इस जासूसी कांड में आने वाली है, तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ भी उस लिस्ट में होंगे, क्योंकि खुद मोदी के दिल्ली में बैठे हुए मंत्री भी इस लिस्ट में आने से नहीं बचे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।